खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हम सीधे रुक करेंगे खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं विवेक काटजू जी का रुक करूंगी। और विवेक काटजू जी, ये जो तस्वीरें दक्षिण कश्मीर के शोपियां से सामने आई, एनएसए अजीत डोभाल आम कश्मीरियों से बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए, ये गुलाम नबी आजाद को तो पेड़ लग रही है सर, लेकिन आपका रिएक्शन पहले मैं इन तस्वीरों पर चाहूंगी। देखिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जिससे राष्ट्रहित को आघात हो। सरकार को भी मुझे लगता है ऐसे जो संदेश डोभाल साहब दे रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है, अच्छा संदेश है, लेकिन ऐसी तस्वीरें जिनका नकारात्मक विश्लेषण हो पाए उससे भी मुझे लगता है परहेज करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ऐसी तस्वीरों से परहेज करना चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि, विपक्ष के लिए भी आपने इसमें नसीहत दी। नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं 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 रोमन्ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्लीज मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐसी तस्वीरें जिनका नकारात्मक विश्लेषण हो सकता है उनसे परहेज करना चाहिए। ठीक तस्वीरें बिल्कुल दिखाइए, और जो डोभाल साहब ने संदेश दिया है, जो साउंड बाइट आपने उनकी करी है, वो बिल्कुल ठीक तस्वीर है। तो मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा बताइए आप। जी जी ठीक है, ये जो तस्वीर है सबसे सर्वोपरि है। ठीक है, तो अभिज्ञान प्रकाश, ये जो तस्वीरें हैं ये वो संदेश दे रही हैं कि कश्मीर ही नहीं, जो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, अब तो नहीं है खैर कांग्रेस अध्यक्ष, जो राहुल गांधी की तरफ से कहा था कि देश जो है वो जमीन का टुकड़ा नहीं होता है, लोगों की आप कदर नहीं कर रहे हैं, ये तस्वीरें तो बड़ा संदेश दे रही है ना कि हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण कश्मीर उतने ही महत्वपूर्ण आम कश्मीरी भी। तो जब सरकार की तरफ से इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं तो फिर कांग्रेस की तरफ से ये आवाज क्यों आती है कि ये तो पेड़ है। मैं बड़े गौर से रोमाना आपको सुन रहा हूं और आपकी बात से एकदम इत्तेफाक कर रखता हूं। पहली बात, गुलाम नबी साहब बहुत सीजनड पॉलिटिशियन हैं, बड़े मौसम उन्होंने सियासत के देखे, उन्हें मेरे हिसाब से स्पष्टतः ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने आपके यहां पर साफ साफ कहा था 370 के फैसले के दिन भी कि देखिए सरकार के ऊपर अब ये ओनस होगा, जिम्मेदारी होगा कि वो कश्मीर के लोगों के, घाटी के लोगों के बीच जाकर, ये बात मैंने अपने कॉलम्स में भी कही, कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, अपनी बात को सामने रखे। और उसमें अजीत डोभाल की एक कोशिश है, अगर आप देखिए, जो मैंने खुद भी कल रात को कहा, वो इसको कोशिश का शब्द दिया। अब आप क्या चाह रहे हैं कि ओवरनाइट जो है रातों रात वहां पर एक राय फॉर्म हो जाए। दूसरी बात जो गुलाम नबी आजाद को सोचना चाहिए कि अगर आप पेड़ है ये सब कह रहे हैं, राजनीति मत करिए, फिर पेड़ क्या जनार्दन द्विवेदी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर दीपेंद्र हुडा से लेकर मिलिंद देवरा तक की ओपिनियन थी। आप एक हालात को समझने की कोशिश करिए, और सरकार को ये कोशिश करनी पड़ेगी, अजीत डोभाल हो या सरकार की तरफ से कोई और रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको जाकर ये बात करनी पड़ेगी, लोगों से वहां वो संवाद स्थापित करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है, फिर आज दोहरा रहा हूं रोमाना, कि नई दिल्ली की तरफ हर आईना पहले से ज्यादा गौर से देखेगा। उन सब न्यू दिल्ली के ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, होम मिनिस्टर के ऊपर है, अंतर्राष्ट्रीय इमेज जो है अपनी नरेंद्र मोदी ने, उसके साथ रिस्क लिया है, तो थोड़ा तो रुक जाएं आप राजनीति करने से पहले। कमरा का साहब, मैं ये नहीं समझ पा रही कि वो विपक्ष जो धारा 370, जम्मू कश्मीर का जिस तरीके से दो हिस्सों में बांटने का फैसला था, उस बिल पर जब चर्चा हो रही थी लोकसभा में, बार बार कश्मीर के लोगों को लेकर सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, कश्मीर के हालात को लेकर सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, अब जब ये तस्वीर आ रही है, अब जब ये तस्वीर जो है वो साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से हालात वहां पर सामान्य होते नजर आ रहे हैं, तो इन तस्वीरों का स्वागत क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं आपसे जवाब लूंगी सर, लेकिन मुझे पहले रुक करना पड़ेगा। विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और विकास भदौरिया से हम जानकारी लेंगे कि ये जो गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है, इसे सरकार के सूत्र कश्मीर की बेइज्जती करार दे रहे हैं। विकास भदौरिया, ये जो पेड़ वाला बयान आया है गुलाम नबी आजाद की तरफ से, जाहिर सी बात है आम कश्मीरियों की अस्मिता पर सवालिया निशान गुलाम नबी आजाद ने लगा दिया है, ये कहकर कि पैसे देकर किसी को भी खरीदा जा सकता है, इसी वजह से सरकार के सूत्र इसे आम कश्मीरी की बेइज्जती अपमान मान रहे हैं। जी बिल्कुल, सरकार के सूत्रों का कहना है कि जो गुलाम नबी आजाद का बयान है वो कश्मीर और कश्मीरियत की
का अपमान है। पिछले 70 सालों से कश्मीर के लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। धारा 370 जब हटी है उसके बाद भी अगर कश्मीरी उसको स्वीकार कर रहे हैं और सरकार के निर्णय के साथ खड़े हुए हैं, शांति बनाई रखी है, माहौल में कहीं भी प्रदर्शन तक नहीं हुए हैं पूरे कश्मीर में, उसके बावजूद अगर गुलाम नबी आजाद इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये कांग्रेस की घटिया सोच का नतीजा है और ये कश्मीर का, कश्मीरियत का बड़ा अपमान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुना आपने विकास भदौरिया जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से, सूत्रों के हवाले से खबर यह सामने आई है कि गुलाम नबी आजाद, उनका ये शर्मनाक बयान और सरकार के सूत्र इसे कश्मीर, कश्मीर के लोगों और कश्मीरियत का अपमान मान रहे हैं। प्रतिक्रिया आ गई है पार्टी की तरफ से भी, बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, उनसे इसी मुद्दे पर खास बातचीत की मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता ने, जरा वो भी देखिए। एनआईए अजीत डोभाल की एक तस्वीर सामने आती है कि वो कश्मीर में जाकर के वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं और सबको समझा रहे हैं कि हालात सामान्य हैं, डरने की जरूरत नहीं है। इस सबके बीच में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद का एक और विवादास्पद बयान सामने आया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि ऐसे पैसे देकर के तो कोई भी किसी को साथ में खड़ा कर सकता है। हमारे साथ मौजूद है शाहनवाज हुसैन साहब। सर, कांग्रेस नेता फिर एक बयान, जम्मू कश्मीर पर ब्लंडर कर रही है कांग्रेस। पार्लियामेंट के फ्लोर पर अधीर रंजन चौधरी इसको अंदरूनी मामला नहीं मानते, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं इसके खिलाफ, 370 खत्म किया, पूरे देश में खुशी की लहर है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम को ध्यान में रख के किया। अजीत डोभाल साहब वहां पर गए और वहां के आम लोगों से मिले और ये जो तस्वीर आई इसको देखकर पाकिस्तान परेशान हो, लेकिन कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है? क्या भाषा बोल रही है कांग्रेस? गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं कि पैसे देकर किसी को खड़ा किया जा सकता है, यही बात तो पाकिस्तान के टीवी चैनल पर उनके नेता कहते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब विपक्ष के नेता हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं, उनको अपना बयान वापिस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। इस तरह के बयान का दुरुपयोग पाकिस्तान दुनिया की फोरम पे करेगा। तो सुना आपने शाहनवाज हुसैन जो कह रहे हैं कि वापस लेना चाहिए गुलाम नबी आजाद को अपना बयान। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, हम सीधे रुख करते हैं खबर आगा साहब, आपसे समझना चाहूंगी जम्मू कश्मीर पर जिस तरीके की सियासत कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, खुद कांग्रेस उलझती चली जा रही है। सही बात है, पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा, एक नया कश्मीर अब बन रहा है और ये एक ऐसा समय है, मैं समझता हूँ सबको मिल के काम करना चाहिए। डिफरेंसेस भले हों कुछ पॉलिसीज को लेके, लेकिन अब वो बदली तो जा नहीं सकती, ना बदलेगी, लिहाजा समय आ गया है सबको मिल के रखें। एम्बेसडर काटजू ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि ये देश के हित के हिसाब से काम करना चाहिए और देश का हित इसी में है इस समय कि सब मिल के कश्मीर के अंदर जो इस समय एक नया माहौल बनाएं, उसकी मदद करें ताकि जिससे आतंकवाद भी कम हो और नए जो वहाँ के मसले हैं डेवलपमेंट की तरफ जो ले जाने की बात की गई है, ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ पे डेवलपमेंट का भी प्रोसेस शुरू हो, लोगों की परेशानियां खत्म हो। उसी दिशा में बढ़ती हुई मोदी सरकार नजर आ रही है क्योंकि ये हीलिंग टच मोदी सरकार का कश्मीर के लोगों को साथ लेकर चलने की ये पहल जो दिखाती है एनएसए अजीत डोभाल की ये तस्वीरें आम कश्मीरियों से संवाद करते हुए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी, यकीनन वो दुश्मन को मदद पहुंचाने वाली, वो पाकिस्तान जैसे देश को और शह देने वाली। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शायद सिर्फ रेडियो पर ही इस संबोधन का प्रधानमंत्री के प्रसारण किया जाए। मैं जल्दी से एक रिएक्शन लेती हूँ अभिज्ञान, जिन हालात में धारा 370 में बदलाव के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम पहला संबोधन, बेहद महत्वपूर्ण? बेहद महत्वपूर्ण, जैसे दिबाग ने कहा, मतलब वो बताने की कोशिश करेंगे कि भाई इसको आप बड़े इत्मीनान से लीजिए और इसमें कोई, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना जिंगोइज्म की जबान इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। पहले 10 दिन बहुत बहुत क्रूशल है, 5 अगस्त का ही ये फैसला है तो देखना होगा कि वहां पर और खासतौर पर घाटी में किस तरह से रिएक्शन होता है। हालांकि ये बात मेरी थोड़ी समझ में नहीं आ रही कि रेडियो पर संदेश, क्योंकि देश पर से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री अपने आप को और मसला 370 हटाने का कश्मीर का है, तो मैं उम्मीद करूंगा ये संदेश सब जगह दिया जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त क्या कहते हैं, उनके ऊपर सीधा आरोप है कि उन्होंने लोगों से राय शुमारी नहीं की है, स्टेक होल्डर्स से बात नहीं की है, फिर ये फैसला लिया है। बार बार दोहरा रहा हूँ कि उनकी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी दांव पर है, क्योंकि अगर कुछ भी श्रीनगर में उठापटक होती है तो सीधे अब दिल्ली उसके लिए जिम्मेदार होगा, तो
इन हालात को देखते हुए यकीनन मैं भी सुनना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री अपनी बात कश्मीर पर क्या रखते हैं। बिल्कुल कमर आगा साहब, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, मोदी नीति को अगर समझा जाता है तो मोदी नीति भी तो साफ है ना कश्मीर को लेकर, कि ना गोली से ना गाली से कश्मीर समस्या का हल कश्मीरियों को गले लगाने से। और ऐसे में सरकार 370 पर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के दो हिस्से करने पर जिस तरीके से कदम आगे बढ़ाती है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम 4 बजे ये संबोधन, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ रह सकता है इसमें? देखिए, दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे सरकार ने बहुत ध्यान दिया, एक तो अमन शांति और दूसरा ये कि डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री इन दो चीज़ों पे शुरू से काफ़ी उनका एम्फेसिस रहा है। मैं समझता हूँ इन दोनों चीज़ों पे वो बात करेंगे, डेवलपमेंट को भी लेके अश्योरेंस दिया जाएगा कि वहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट किया जाएगा। दो अलग अलग क्षेत्र हैं, दो यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, और दूसरी बात ये कि अमन शांति बनाए रखने की अपील वहाँ के लोगों के साथ, सबका साथ सबका विकास जो उनका एक जनरल स्टेटमेंट रहता है सबके साथ, क्षेत्र के लिए भी और मुल्क के अंदर भी वो इस तरह की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैसेज जाएगा जो बहुत ही, जैसे कि अभिज्ञान ने भी कहा कि जरूरत समय इस बात का है। छोटा सा 10 सेकंड का पॉइंट प्लीज, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही, तो मैं ये भी सुनना चाहूंगा और पाकिस्तान किस तरह का प्रोपेगेंडा करता आगा साहब इत्तेफाक रखेंगे, तो उस मसले पर भी मैं सुनना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए, कश्मीर पर बहस को देखते हुए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। काजू साहब, आपको लगता है कि कश्मीर को लेकर भी कुछ कहा जाएगा आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री का ये जो देश के नाम संबोधन है उसमें? मुझे तो लगता है कि ज्यादा जो वक्तव्य होगा उनका वो कश्मीरी पर होगा। नहीं, वो नहीं, नहीं, माफ कीजिएगा, कश्मीर नहीं, मैं पाकिस्तान, माफ कीजिएगा सर, मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को लेकर। हाँ, नहीं नहीं, पाकिस्तान में तो सुना ही जाएगा गौर से, मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसको बहुत गौर से सुनेगा, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री जो इतने महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उसके बाद वो अपनी बात रखेंगे। और जैसे हमारे और मेरे साथियों ने कहा, वो डेवलपमेंट, विकास पर जोर देंगे, वो मुझे लगता है वो ये भी जोर देंगे कि कश्मीर की को पूर्ण हिफाजत की जाएगी, कश्मीर की आवाम की और उनके रीति रिवाज, उनका धर्म, उसमें कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की जाएगी। ये अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये सुनने की जरूरत है। आखिरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर वादी के लोगों को प्रधानमंत्री का संदेश सुनने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और सरकार को कुछ साधन बनाने पड़ेंगे जिसके जरिए कश्मीर की आवाम उनका संदेश रियल टाइम में सुन सके और समझ सके, क्योंकि प्रधानमंत्री मकसद कहीं ना कहीं लेवल से संदेश का प्रधानमंत्री के जरिए कश्मीर के जो लोग हैं उनमें आश्वासन पैदा करना, उनमें भरोसा पैदा करना। पाकिस्तान को लेकर इस मौके पर क्या कुछ कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और क्या कश्मीर के लिए आगे का खाका है क्या मोदी सरकार का, क्योंकि सरकार का मिशन मोदी मिशन कश्मीर साफ है कि कश्मीर का विकास करना है। ऐसे में क्या कश्मीर के लिए, विकास के लिए कोई बड़ा पैकेज जिसकी बड़ी घोषणा भी की जा सकती है इस मौके पर? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, तो माना यह जा रहा है कि अपने इस संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी सरकार की जो कश्मीर नीति है उसे लेकर एक तरीके से जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। यही होने वाला है आज के संबोधन में दिबांग? जी हाँ, बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करेंगे। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि पार्टी इसको किस तरह से आगे ले जाती है। कुछ बयान हमने देखे जो बहुत ही बेहुदा किस्म के बयान भी आए हैं पार्टी के छोटे नेताओं की तरफ से, एमएलए की तरफ से। मैं खतौली के एमएलए की बात यहाँ पर सोच रहा हूँ। और किस तरीके से ये ऐसा मौका है जब पार्टी को एकजुट होकर एक बड़ी जो बात पार्टी लगातार कहती रही अपने मैनिफेस्टो में, जो ये कहा गया कि ये कभी हो नहीं सकता, सिर्फ मैनिफेस्टो में डाला गया, आलोचक ये कहा करते थे, वो उन्होंने हासिल कर लिया है। पर उसके बाद जो अंग्रेजी में कहते हैं जो चेस्ट थम्पिंग नहीं होनी चाहिए कि आप ऐसे कहें अपने छाती पर मारते हुए, देखा हमने कर दिखाया, इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। बात ये आनी चाहिए कि आप, ये एक बड़ी ऐतिहासिक भूल थी जिसको सही किया गया, जिसको सही करने में काफ़ी मेहनत की गई, और अब हम चाहते हैं कि कश्मीर में अमन शांति रहे, वहाँ पर प्रगति हो, विकास हो, इस तरह की बात की जाएगी। क्योंकि
इस पर सबकी नजर है कि इतना बड़ा जो ये कदम उठाया गया है उसका मैसेज ठीक से जाए, लोगों तक जाए। और मुझे लगता है कि रेडियो और टेलीविजन की बात हो रही है, ज्यादातर लोग इस समय वहां पर रेडियो सुन पाएंगे, तो रेडियो पर इसलिए ज्यादा उनका ध्यान है कि अगर टेलीविजन नहीं भी हो तो कश्मीर के दूर दराज इलाकों में रेडियो जरूर होते हैं, पहाड़ी इलाकों में। मैं खुद ऐसे इलाकों से आता हूँ तो मुझे मालूम है, तो वहाँ ये संदेश जाए। वहाँ बहुत आवश्यकता नहीं है कि आप टेलीविजन पर ही करें, तो उसकी आवश्यकता जो विकास ने अपने पहले वाक्य में कहा कि ये रेडियो पर होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बात वहाँ तक लोगों तक जाए। तो कश्मीर एक तरफ है, दूसरा बाकी जो देश है उनकी अपनी पार्टी है उनको भी एक संदेश जाएगा, इसके अलावा एक बड़ा संदेश जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, जिस तरह की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, जो हर बार इस तरह की कोशिश करता है और नाकाम जाता है, तो एक तरीके से वहाँ भी ये संदेश जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इतने अच्छे वक्ता हैं, वो अलग अलग लेयर्स को, अलग अलग समुदायों को, अलग अलग सेक्शंस को किस तरीके से अपनी बात को कहते हैं, ये आज सुनने वाला होगा। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ अभिज्ञान आपके पास, कमर आगा साहब, विवेक अर्जु जी का भी मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं हम ये तस्वीर। इस तस्वीर को आप देखिए, ये जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे 8 अगस्त 2019 को शाम 4 बजे से, और इसका प्रसारण इंद्रप्रस्थ, FM रेनबो और FM गोल्ड जो चैनल्स हैं उस पर किया जाएगा। मतलब अब ये साफ हो गया है कि ये रेडियो प्रसारण होगा। अब हम एक बार फिर से आते हैं कि आखिरकार अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह सकते हैं। मोटे तौर पर अब मैं इसको बांटना शुरू करती हूं, संदेश देश के नाम, संदेश देश में राजनीतिक दलों के नाम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी पार्टी और विपक्ष, संदेश कश्मीर के नाम, संदेश पाकिस्तान के नाम और संदेश अंतर्राष्ट्रीय जगत के नाम। मोटे तौर पर यही तमाम बिंदु, इन्हीं तमाम पॉइंट्स को एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का संबोधन रहने वाला है। अभिज्ञान, आपने जो बातें कही है उस सबको किसी न किसी तरीके से कवर किया जाएगा। सेंट्रल थीम क्या होगी? सेंट्रल थीम ये होगी कि देखिए, हमें किसी न किसी वक्त में ऐसा करना जरूरी था, ये हमारा कमिटमेंट था, ये हमने वादा किया था कि सबको जोड़े और मेन स्ट्रीम में लेकर आए। देखिए, आप बीजेपी की हिसाब से अगर देखिए तो इसकी 2-pronged स्ट्रैटेजी होगी। प्रधानमंत्री तो यकीनन ये कहेंगे कि आप इसको जिंगोइस्टिक मत बनाइए, उस तरह से मत देखिए, एक बड़ा लंबा रास्ता यहाँ से तय करना है, लेकिन बीजेपी के लोग जो हैं वो अपने हिसाब से इसको इनकैश करेंगे। तो ये हमेशा से होता रहा, इसमें मुझे कोई अचरज नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री हैं तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं और पार्टी से एक स्तर पर ऊपर आपको उठना पड़ता है, जो हमेशा नरेंद्र मोदी ने जब जरूरत हुई दिखाया है। तो वो तीनों को उनको यहाँ पर एड्रेस करना है। जैसे काड्डू साहब ने कहा, कश्मीर के लोग बहुत उत्सुक होंगे उनको सुनने के लिए, उनको उनमें आत्मविश्वास लाना। ये जो बात आप कह रहे हैं ना काड्डू जी वाली बात जो आपने की, मैं काड्डू जी के पास चलती हूँ। काड्डू जी, जो आप कह रहे थे कि कश्मीर के लोगों को बहुत महत्वपूर्ण होगा ये सुनना, क्या आपको लगता है इसी वजह से ये कदम उठाया गया है क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी शायद कैच हो पाएंगी, क्योंकि हमें पता है इंटरनेट नहीं चल रहा है, केबल डाउन है, इसी वजह से ये चयन किया गया है कि रेडियो पर प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन? काड्डू साहब, हाँ बिल्कुल, ये सही कदम भी है जी। क्योंकि सबसे ज्यादा तो कश्मीर वादी के लोगों को प्रधानमंत्री का संदेश सुनने की जरूरत है। और मैं एक और चीज आपको याद दिलाऊं, आज का दिन 8 अगस्त का दिन हमारे इतिहास में बहुत ही स्मरणीय है, हिस्टोरिक ऐतिहासिक दिन है। आप याद करें कि आज ही के दिन गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करी थी 1942 में। तो अच्छा है कि आज के दिन जो इतना ऐतिहासिक दिन है और प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक कदम उठाया है कि इस दिन कश्मीर की वादी को संबोधन होगा। बिल्कुल, 8 अगस्त 1942 का जिक्र यहाँ पर विवेक काजू साहब की तरफ से किया गया, जब अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आज 8 अगस्त 2019, आओ सब भारतीय मिलकर भारत को जोड़ो। ये बड़ा संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए जाने की उम्मीद। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन। इस संबोधन पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल लगातार जो स्टूडियो में मौजूद है। कमर आगा साहब का मैं रुख करूंगी। कमर आगा साहब, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज के इस संबोधन में, जो मुख्य बात कही जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अंडरलाइन करके, वो क्या हो सकती है? देखिए, आपने कई चीजों का जिक्र किया, डेवलपमेंट उसमें काफ़ी ऊपर था। मैं समझता हूँ कि शायद वो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री 2-3 दिन से लगातार बातें कर रहे हैं,
उसका भी जवाब दे सकते हैं और देना भी चाहिए, मैं समझता हूँ। जैसे कि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं भड़काने वाली, वो उसको एड्रेस करेंगे और फिर वहाँ की जनता से भी अपील करेंगे, भारत की, कश्मीर की खास तौर से। काजू साहब, बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को जवाब देने वाला रह सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का? अगर मैं इस पे कुछ करता तो मैं तो उसको ज्यादातर इग्नोर करता, क्योंकि जो कदम हमने उठाया है वो हमारे अंदरूनी क्षेत्र से संबंधित है, हमारी विधि, हमारे कानून से संबंधित है। पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की जो रिएक्शन आया है, प्रतिक्रिया आई है, वो उन्होंने ये तय कर लिया। हम बस इतना कह सकते हैं कि आपने कदम उठाया है, आप ये कदम जो है नाजायज है, हम नहीं चाहते थे कि आपके ऐसा आपका रिएक्शन हो, लेकिन आपने ये तय किया है तो ठीक।